हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक और न्यू वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि आरजे गॉड लवर यूट्यूब चैनल की खेतों के अंदर किधर घूम रहे हैं। तो दोस्तों, आज आप जानते हैं हमारे खुशी धालीवाल, जिसकी वीडियो कंटिन्यू चैनल पे आती रहती है, और हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं खुशी धालीवाल, और इनके फार्म पे आया हुआ था मैं। तो इनकी बकरियाँ भी दिखाएंगे वीडियो के लास्ट में, दिखा देंगे वो, तो जो सेल के लिए इनके पास फुल वाइट के अंदर और फुल मुंडी बकरी है, वाइट आइज में भी है। तो आज खुशी भाई साहब से जानकारी लेंगे अपनी कि खुशी भाई आज खेत के अंदर ये कर क्या रहे हैं, सिस्टम क्या है भाई। मैंने खुशी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। खुशी भाई आज खेत में क्या कर रहे हो भाई? खेत में भाई ऐसा आप देख सकते हो ये चीज क्या है। अच्छा, आप काट रहे हैं ये क्या है? मेरे को नहीं पता भाई क्या है ये। भाई हमारे साथियों को बताइए, ये हमारे कहते हैं बरसीम। अच्छा, इधर आओ खुशी भाई यार, थोड़ा सा यहाँ के बताओ। अच्छा, बरसीम बोलते हैं। इसे भाई अपने कहते हैं बरसीम है। अच्छा जी, ये चीज बरसीम है। ये क्या फायदा क्या है खुशी भाई, और इसको क्या किस लिए यूज किया जाता भाई? ये हम डालते हैं पशुओं को और बकरियों को, अपने बकरियों में। इसका क्या बेनिफिट है? बेनिफिट इसका भाई एक तो हरा चारा आ गया, ठीक है, मेन तो, और ये चीज है इसमें प्रोटीन कैल्शियम इसके अंदर जी, प्रोटीन और कैल्शियम भी इसके अंदर मौजूद है भाई। ये हमारे बेचते हैं बरसीम। अच्छा, बहुत अच्छी चीज है। आप अगर गूगल पर भी सर्च करोगे तो ये चीज आप निकाल सकते हो। और इसके बीच हमारे बीजी है जमी 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 जोई बोलते हैं जिसको, जो हिंदी में बोलते हैं जो, ठीक है। बरसीम और लूसन नहीं बोलते हैं क्या खुशी भाई इसको? लूसन अलग से होता है भाई, लूसन अलग होता है। हाँ, ये बरसीम है। ये बरसीम है। अच्छा, बरसीम के अंदर कैल्शियम की मात्रा ये चीज पता है क्या? ये बरसीम बकरियां चाव के खाती है। अच्छा, चाव करके खाती है पूरा। हाँ, अकेले बकरियों के लिए नहीं है, बकरी गाय भैंस घोड़ियों के लिए बहुत अच्छी है ये लूसन। ये बरसीम है, लूसन नहीं है। हाँ, बरसीम है जी। तो लूसन और बरसीम में क्या फर्क रहेगा भाई? उनों में अलग होता है वो, उसका पत्ता होता है मोटा, इसका होगा लंबाई होता है। इसका पत्ता लंबाई में होगा आप देख, ठीक है, वो उसका पत्ता होता है मोटा, उसका पत्ता मोटा होता है। वो भी चीज अच्छी है, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छी लगी। पिछले साल भी मैंने यही बीजी थी और इस बार भी यही बीजी। बकरियां की सेहत बढ़िया अच्छे तरीके से बनती है भाई, बकरियां चाह के खाती है। बकरी जो चीज जो खुशी से खाएगी वो अपने आप ग्रोथ करेगी, अपने आप ग्रोथ करेगी। सही बात है। अगर वो खुशी से कुछ खाएगी नहीं तो फिर ठीक है, कोई चीज डाल दो आगे, कुछ जी देसी घी डाल दे आप, अगर वो खुशी से खाएगी नहीं तो बड़ी। सब वही इंसानों वाली बात है कि जिस चीज को अपने चाव करके खाएंगे वो चीज में अपना ज्यादा उसका लगेगी। जो वो खुशी से खाते हैं वो चीज खिलाओ, चाहे कोई चीज है। तो किसान साथियों को मैं बताना चाहेंगे, किसान साथियों के लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा खुशी भाई साहब। हाँ भाई, जो बहुत भाई हमारे तो जो खेतों वाले लोग है, हमारे जो पंजाबी लोग है, जो किसान लोग है, वो बहुत बीजते है भाई ये चीज। ठीक है, तो खुशी भाई साहब ये आपने बकरियां रख रखी है फिर है? जी भाई, ठीक है। बकरियां मेरा थोड़ा फार्म खेत से दूर है, ये तो खेत है खुशी भाई का। हाँ, ये डिग्गी बनाए रखी है खुशी भाई जी। भाई ये वाटर सेविंग के लिए, वाटर सेविंग है। ये इस डिग्गी का पानी आप फसल को लगाते हैं? फसल को लगाते हैं भाई। ठीक है, वो हमारी सरसों है। ठीक है, ये जो है ये अलग से जमी है जी। ठीक है खुशी भाई, वो हमारे सारे सरसों, ये सरसों है। कितना बीघा जमीन है खुशी भाई आपके? हमारे पास भाई 25 बीघे है। 25 बीघा जमीन जी भाई। ठीक है, इसके साथ खेती के साथ साथ आप हमारा बकरी पालन कर रहे हैं जी भाई। तो खुशी भाई साहब खेती के साथ बकरी पालन करने का आपका मकसद मेरे को समझ में नहीं आ रहा। खेती भी एक के साथ बकरी पालन का क्या बेनिफिट है, थोड़ा बताइए। खेती का भाई इस वक्त जे कंडीशन आ चुकी है कि खेती में मान के चलो आप 10% पैसा बचता है। 10% 10% मान लो, 20% मान लो जी भाई। इस बार तो सबको पता है भाई, जो कपास की कॉटन की जो खेती थी बिल्कुल उसमें सबका नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान है। कुछ भी मतलब किसान के कुछ भी एक रुपया कोई बेनिफिट ऊपर से लगे हैं। लगे जो उस पर सरसों रेस जो खाद डालती है का पैसा लगा ही है उसका भाई, वो लगा ही है, बचा नहीं कुछ जी भाई। जी भाई, और जे मेरा तो मैंने आपको पहले ही बताता रहता हूँ कि खेती के साथ कोई ना कोई धंधा हो, ओनली बकरी का नहीं हो, कोई कर लो साइड बिजनेस, साइड बिजनेस कोई भी कर लो, साइड बिजनेस जरूर होना चाहिए, कोई कर लो, क्योंकि अगर खेती के अंदर नुकसान हो गया तो बंदा उस तरफ से कवर कर लेता है, मतलब घर खर्चा चलता रहता है। एक युवा साथी है हमारे साथ खुशी धालीवाल, और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं कि खेती के साथ साथ एक साइड बिजनेस भी कर रहे हैं। गोट फार्मिंग के अलावा भी कोई काम करते हो खुशी भाई?
नहीं भाई और नहीं करता कोई काम, मैं खेती का चलता और अपने ज्यादा भाई ऐसा ज्यादा जो कहते हैं हमारे कहावत है ज्यादा आसे पासे मुंह मारोगे तो कुछ ही नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला। हाँ, अगर एक दो चीजों में आपका भाई ध्यान है मन से लगा लो उसी में आप कामयाब हो जाओगे। सही बात बोल रहे हैं खुश भाई। हाँ जो खेती के साथ चलने वाली चीजें हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं क्या खुशी भाई? मुर्गी पालन नहीं भाई, मुझे शौक नहीं है मुर्गी। ये भी बकरी पालन का मुझे बकरियां पहले से एक दो का शौक था, उसी से मैंने फिर धीरे धीरे शौक बढ़ता बिजनेस। मुर्गी पालन फिर भी खुशी भाई अगर आप करना चाहे तो कोई हाँ भाई किसान साथी कर सकते हैं। मेरे दोस्त करते हैं मुर्गी पालन भी करते हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, खेती वाले मच्छी झींगा मच्छी होती है मच्छी पालन कर रहे हैं। खुशी भाई मैं एक और चीज आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जैसे कि मेरे को पता है कि आपने ट्रेनिंग भी ली हुई है। जी भाई, तो ट्रेनिंग के अंदर मैं ये चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अपना राजस्थान का गंगानगर हनुमानगढ़ जो ये एरिया है, जी भाई, इस जगह पे जो हमारे किसान साथी है उनको कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए भाई? क्योंकि बहुत से लोकल के भाइयों के फोन आते हैं कि सर ब्रीड कौन सी रखे, बकरी कौन सी रखनी चाहिए, बीटल या बर्बरी या जो भी लोकल के अंदर बकरियां मिलती है वो रखे। जी भाई मैं आपको बताता हूँ, पहले मैंने खुद से अपना था, मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। जी भाई, तो बकरी ट्रेनिंग की मैंने राजस्थान गंगानगर से, राजस्थान गंगानगर गंगानगर से, ठीक है। लेकिन जो चीजें उन्होंने बतानी थी, सच बताता हूँ मैं, सच जो चीजें उन्होंने बतानी थी वो हमें बताई नहीं, वो नहीं बताई। हाँ ठीक है। और उनका भाई जब तक मेरे 10 दिन की ट्रेनिंग ली उन्होंने, सरकारी थी, पीएनबी के थ्रू थी वो। हाँ, बीएनबी आईआरसी के थ्रू है। उन्होंने भाई मैंने तो जब तक देखा उन्होंने करने थे अपने बंदे पूरे, उनके थे 30-35, आप भी साथ ही थे मेरे। जी भाई बिल्कुल। उन्होंने भाई ये किया, उनका आता है सरकार के थ्रू पैसा कि आप 35 लोगों को ट्रेनिंग दो आपको 35 मिलेगा कैंडिडेट। हाँ 35, ठीक है। उन्होंने भाई अपना पैसा कमाना था, हमें 10 दिन तक बिठाया। वो कहने का मतलब सीधा सीधा कि प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाए, नहीं दे पाए जो हमें जो हमारे था हमें सही क्या रहेगा जानकारी तो हमने वहां पर खुद हमने। लोग बोलते हैं कि ट्रेनिंग लेके गोट फार्मिंग कीजिए और ट्रेनिंग लेके कीजिए, और आप यहाँ पे एक चीज बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग में उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो फिर किसान साथी क्या ट्रेनिंग ले? जरूर ले, ट्रेनिंग लें जरूर। ट्रेनिंग में आपको कुछ तो बेनिफिट मिला होगा क्या भाई? मैं बताता हूँ आपको, मैं तो थोड़ा सा नहीं, मैंने जानकारी नहीं, मैं गलत हो चुका था, लेकिन ट्रेनिंग ले हमारे पंजाब में ट्रेनिंग बहुत अच्छी देते हैं, पंजाब साइड देते हैं। जैसे कि सीआईआरजी मथुरा में, सीआईआरजी मथुरा वाले अविकानगर टोंक के अंदर, वहां पर जाओ आप थोड़ी सी किसी से पता करो। हमारे तो करीब था इसलिए हम चले गए, एक थोड़ा सा ऐसा लालच हो जाता है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग ऐसे कह दे भाई, थोड़ा लालच हो जाता है कि हमारे पास सर्टिफिकेट बन जाएगा, सर्टिफिकेट बन जाता है जिससे कि लोन वगैरह की फैसिलिटी, लोन वगैरह की फैसिलिटी गरीब किसान साथियों को। जी खुशी भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खुशी भाई आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। जी भाई, और आपके जो गोट फार्म है उसके ऊपर अभी बकरियां अवेलेबल है खुशी भाई? भाई अभी तो कम है अवेलेबल, लेकिन मैं अभी ना आपके चैनल के थ्रू बता दूं, मैं अपना चैनल बना रहा हूं केडी गोट फार्म के, केडी गोट फार्म के नाम। जी भाई जी जरूर, उस चैनल पर मैं अपने जानवरों का अपडेट करते रहूंगा, इंस्टाग्राम पर भी मैं अपडेट करता हूं केडी गोट फार्म, पहले इंस्टाग्राम पर बनाया, अब बनाऊंगा मैं यूट्यूब पर। जी खुशी भाई, और उससे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। ठीक है खुशी भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया खुशी भाई, और आप ये ले जाकर काट के डालेंगे ना? हाँ भाई, ये हमारे मशीन है टोका मशीन कहते हैं जी, उसे काट कर ब्रीक ब्रीक कर उससे डालेंगे। अच्छा, उससे बाकी पीछे जे देखो आप बहुत अच्छा फूट रहा है, दोबारा आ रहा है, दोबारा से इसकी फुटान हो रही है। इसकी भाई कटाई एक आप तो और बता दूं। जी भाई, इसकी कटाई होगी भाई 4-5 बार कटाई हो जाएगी। अच्छा, 4-5 बार इसकी कटाई, ऐसे नहीं एक बार कट के फिर बीज, एक बार काट लिया फिर उसके बाद ये फिर से सकते हैं दोस्तों, इसको पानी लगाते रहे 6-7 बार भी लग जाता है जी। इसके अलावा कोई यूरिया वगैरह कोई पेस्टिसाइड डालने की जरूरत पड़ेगी खुशी भाई? क्या भाई वो है फसल के जो अपनी ताकत पे डिपेंड करेगा, ताकत नहीं जो अपने जो गोबर की जो खाद होती वो नहीं डालते भाई, वहां फसल मिट्टी कमजोर हो जाती है उसको भाई पर पैसे। कहने का आपका सीधा सीधा मतलब ये है कि गोबर वाली खाद जो भेड़ बकरियों खाद है वो जरूर डालें किसान। जी भाई जी 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 खुश भाई बहुत बहुत शुक्रिया खुश भाई। ठीक है भाई, और आरजे गॉड लवर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका भी भाई, और अभिनंदन आपका जो हमें थोड़ा सा दुनिया के आगे लेकर आ रहे हैं। जी खुशी भाई साहब आपका भी धन्यवाद। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।